बात करते हैं देश के कई हिस्सों में पड़ रही बाढ़ की मार की। आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश से बेहाल है। एक तरफ नदियां उफान पर है, दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश से आबादी वाले इलाकों में सैलाब आ गया है। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित बिहार और उत्तर प्रदेश में NDRF की 10 टीमें भेजी हैं। 5 टीमें ओडिशा से उत्तर प्रदेश भेजी गई हैं, जबकि पंजाब के बठिंडा से 5 टीमों को बिहार भेजा जा रहा है। दोनों राज्यों में पहले से बाढ़ रेस्क्यू में 56 टीमें लगी हुई हैं। NDRF ने सोमवार रात को गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बाढ़ के हालात की जानकारी दी थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से निपटने में केंद्र की पूरी मदद का भरोसा दिया। बिहार में बाढ़ से पटना, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर समेत कई जगहों में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। तो वही यूपी में गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बस्ती समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब। तो इधर यूपी में इलाहाबाद से वाराणसी तक बाढ़ से किस तरह से स्थितियां बेहाल है, ये जो तस्वीरें हैं इस बात की तस्दीक करती हैं। इलाहाबाद में 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं वहां की स्थितियों को देखते हुए। गाजीपुर में सभी स्कूल 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दोनों ही नदियां यहां पर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं। ग्रामीण इलाकों के करीब 167 गांव में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई है। सभी बांधों पर सेना को अलर्ट किया गया है, साथ ही राष्ट्रीय आपदा राहत की टीम को बचाव काम में लगाया गया है। जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिनों में पानी और तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहें। तो शहर के अंदर पानी घुस चुका है, राहत और बचाव काम तेजी के साथ किया जा रहा है। प्रशासन का यह कहना है लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की बात भी की जा रही है, लेकिन ये देखिए राहत सामग्री वितरण जब हो रही है तो बकायदा उसकी फोटो खींची जा रही है, ये बताने के लिए कि कैसे लोगों तक प्रशासन तेजी के साथ राहत पहुंचा रहा है। टोटल जिले में हम तकरीबन 270 कंट्री मेड बोट्स और मोटराइज बोट्स हम लोग फ्लड रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं, और शहर में 9, जैसे मैंने बताया, 9 हमारे बाढ़ राहत शिविर चल रहे हैं, जिनमें तकरीबन 7,000 लोग जो हैं उनको हम लोग फूड, राशन और स्टे और सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं। आर्मी को हमने अलर्ट पे रखा है, और आर्मी की आवश्यकता जहाँ होगी, स्पेशली जहाँ पे मरूंड हो गए लोग उनको रेस्क्यू करने के लिए, एयरफोर्स की भी हम लोग मदद ले ही रहे हैं। आर्मी को अलर्ट पर रखा है, अभी डायरेक्ट मदद नहीं ले रहे हैं। उधर वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शवों को जलाने तक की जगह नहीं मिल रही है। काशी के सभी 84 घाट डूब गए हैं। इनमें मणिकर्णिका घाट के महाशमशान और हरिश्चंद्र घाट भी शामिल हैं। इन घाटों पर अंतिम संस्कार किए जाते थे, लेकिन गंगा के बढ़ने के बाद अंतिम संस्कार गलियों में किए जा रहे हैं। अब आलम यह है कि गलियों में भी पानी भरने के बाद शवों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा। मजबूरन पानी से डूबी सड़क पर ही शव को रख दिया गया है। उधर गंगा का वाटर लेवल डेंजर लेवल को पार कर हाईएस्ट लेवल से बस 1 मीटर पीछे है। गंगा नदी 125 से ज्यादा गांव और रिहायशी इलाकों में पहुंच चुकी है। लगभग 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पानी में डूबी हुई है। तो शहरी ग्रामीण इलाकों को मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गली में फूट थी हरिश्चंद्र घाट, गली में क्यों फूटना पड़ा था? पानी बाहर आ रहा, दिक्कत होगा, हमें एक से हमारे लिए फूकत है, अब कहाँ फूक गई, परेशानी तो है उनके। हरिश्चंद्र घाट पर चूँकि गंगा जी का प्रभाव बहुत तेज है, बाढ़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए गलियों में दाह संस्कार हो रहा है, एक मजबूरी भी है, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो इधर वाराणसी के आसपास के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों में डर के साथ साथ प्रशासन को लेकर गुस्सा भी है। मदद की आस लगाए लोगों की उम्मीद शासन प्रशासन से टूट चुकी है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर जानने के लिए India 24/7 रिपोर्टर अमित सिंह चौबेपुर थाना क्षेत्र के उन गांव में जहां हजारों बीघे की फसल बर्बाद हो गई है, दर्जनों गांव बाढ़ से घिर चुके हैं, वहां पहुंचे। तो इस वक्त पूरा पूर्वांचल बाढ़ की चपेट में है, और ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है हम उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के पास में है, और यहां करीब दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, और बहुत बुरी तरह से ये जो खेती योग्य भूमि है वो जलमग्न हो चुकी है। 1,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती योग्य भूमि जो है वो जलमग्न हो चुकी है। हम वाराणसी के चौबेपुर के इलाके की तस्वीर आपको इस समय दिखा रहे हैं। सिर्फ वाराणसी के चौबेपुर इलाके में करीब करीब 500 बीघे से ज्यादा की जो कृषि योग्य भूमि थी वो
बाढ़ मग्न हो चुकी है, वो जलमग्न हो चुकी है और लगातार यहाँ देखिए आप जल ही जल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक समय में यहाँ लोगों से ये इलाका गुलजार रहता था। लेकिन 2013 में भी ये स्थिति नहीं थी, जब बाढ़ अपने उच्चतम बिल्कुल आवेग में था उस समय भी ये स्थिति नहीं थी। 2013 से बहुत बुरी कंडीशन में इस समय हम देख रहे हैं इस पूरे इलाके को। तमाम लोग हमारे साथ हैं जो हमसे बात करेंगे। अभी अभी कुल कितनी जमीन होगी भैया जो पानी में चली गई? सर करीब 500 बीघा जो अंबा की जमीन है जो पानी में डूब चुकी है। सब लोग चारा पानी के लिए परेशान है, पर सब पशु जो हैं चारा पाई नहीं रह पा रहे हैं, भूसा किसी के पास नहीं है, पूरा जलमग्न हो चुका है। ये दौरा हो रहा है लेकिन कोई राहत सामग्री नहीं बताई जा रही, बता कोई नहीं रहा। इससे पहले पूर्व में भी डीएम थे, उन्होंने भूसा हर व्यवस्था किया, लेकिन वर्तमान में जो डीएम है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ की सारी फसलें सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और किसानों को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया जा रहा है जिससे किसान सुरक्षित निकल चुके हैं। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से गांव हैं जो जलमग्न हो चुके हैं? यहाँ पे आपका मोगलपुर है, रामपुर है, रामचंदीपुर है, ये सब इलाके ऐसे हैं जो पूरा बाढ़ में डूबे हुए हैं। यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, स्कूल का आना जाना सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, कहीं आने जाने का खाने पीने का साधन कोई उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है सरकार द्वारा, कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए सामने ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये बस्ती थी, पूरी की पूरी बस्ती थी और ये पूरी की पूरी बस्ती जलमग्न हो चुकी है। तो पहले सूखे की मार और अब बाढ़ की विभीषिका, एक आम किसान बुरी तरह से त्रस्त है। देखना होगा कि बाढ़ जब वापस जाएगी तो उसके बाद जो किसान जिसकी कमर टूट चुकी होगी उसकी भरपाई सरकार कैसे करती है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, इंडिया 24/7 वाराणसी। उधर बूंद बूंद पानी को तरसने वाले बुंदेलखंड पर इन दिनों पानी तबाही बनकर आया है। हमीरपुर में छोटी नदियों के बाद अब बेतवा और यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते इन नदियों के किनारे बसे गांवों को खाली कराया जा रहा है और दर्जनों गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। साथ ही वाहनों का आवागमन भी बाधित होने लगा है। पिछले डेढ़ दशक से सूखे की मार टूटे हुए किसान अब पानी की मार से अपनी दलहन और तिलहन की फसलों से भी हाथ धो बैठे हैं। हालत इतनी ज्यादा बदतर है कि खेती किसानी से आजीविका चलाने वाले हजारों किसानों के सर से उनके घरों का साया भी उठ चुका है। तो कई कच्चे घरों के गिरने की वजह से घर में रखा खाने पीने का अनाज भी बर्बाद हो चुका है। बिहार में इंद्रपुरी बैराज से छोड़े गए 11 लाख क्यूसिक पानी के कारण छपरा शहर के कई रिहायशी इलाकों निचले इलाकों में पानी भर गया है। करीब चार दशक के बाद ऐसी भीषण बाढ़ आई है जिसने आम जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। छपरा का सड़क मार्ग से पड़ोसी जिले और प्रदेश से संपर्क कट गया है। छपरा बलिया रेल मार्ग भी पानी के दबाव के कारण रुक गया है। कई ट्रेनों के रूट और शेड्यूल में बदलाव किया गया है। तो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बाढ़ से निपटने की सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के हाजीपुर जिले की, जहां रामभद्र मालीपुर इलाके के बाढ़ पीड़ित हजारों लोग अपने पूरे परिवार और मवेशियों के साथ रामचौरा मंदिर में गुजर बसर कर रहे हैं। हालत यह है कि इन लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई जाए। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत से आम लोगों के साथ साथ पुलिस वालों की भी जान पर बनाई। देवास जिले के नेवरी इलाके में पुल से गिरने से हेड कांस्टेबल हिंदू सिंह बाइक समेत बह गए। हादसा नेवरी के पास लोदरी नदी पर बने पुल को पार करने के दौरान हुआ। हिंदू सिंह 20 अगस्त की शाम को देवास से अपने गांव पांडा के लिए निकले थे। लापता कांस्टेबल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेड कांस्टेबल की बाइक बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू टीमें लापता कांस्टेबल की तलाश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भारी बारिश के बाद गांधी सागर बांध के 5 छोटे गेट खोल लिए गए हैं, जिनमें 95,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। इलाके में भारी बारिश की वजह से गांधी सागर बांध का जलस्तर 1309 फीट से ऊपर पहुंच गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसी तरह डैम में जलस्तर बढ़ता रहा तो गेट आगे भी खुले रहेंगे।
तो इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी एक तरीके से कहर बरसाया है बारिश ने। लगातार हो रही बारिश अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। नदी नालों में जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों का मुख्य मार्ग संपर्क कट गया है। तेज बारिश के चलते मौलाना आजाद मार्ग स्थित एक कच्चा मकान गिर गया है। गनीमत रही कि मकान में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जिले में अब तक 744 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।